राजधानी शिमला की ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग में स्केटिंग का ट्रायल सफल रहा। सुबह 8 से 9:30 बजे तक आइस स्केटिंग रिंग के संचालकों, सदस्यों और पदाधिकारियों ने स्केटिंग की है। 2 घंटे तक स्केटिंग का ट्रायल किया गया। अब ट्रायल सफल रहने के बाद गुरुवार से रिंग को सदस्यों के लिए खोलने का फैसला लिया है। रिंग के अभी 40-45% हिस्से में ही बर्फ जमी है, अन्य हिस्से में बर्फ जमाने का काम शुरू है। तापमान में आई गिरावट से रिंग के संचालकों को उम्मीद है कि जल्द ही पूरे रिंग में बर्फ जम जाएगी। आइस स्केटिंग क्लब के सचिव भवनेश बांगा, कोषाध्यक्ष पंकज प्रभाकर और संगठन सचिव मनप्रीत सैम्बी, रचर मल्होत्रा ने बताया कि गुरुवार सुबह के स्केटिंग सत्र को नियमित रूप से शुरू किया जाएगा। सुबह 8 बजे से 10:15 तक रिंक में स्केटिंग सेशन होंगे। नए स्केटर्स के लिए सदस्यता लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पहले ही दिन 10 स्केटर्स ने सदस्यता ले ली है। क्लब के 310 स्थायी सदस्य भी गुरुवार से स्केटिंग के लिए आना शुरू हो जाएंगे।